मेरी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद। मदद करते मेरे मालिक, मदद करते। मुझे आज बता रही स्वान, मुझे भी आज ही पता चला है। नहीं 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 नहीं, तुझे पहले से पता था, तूने मुझे आज बताया। आपको खुशी नहीं? खा खुशी होगी मुझे। हाँ, ये गरीब और बेरोजगार बाप अपने बच्चे को क्या दे सकता है? क्या दूंगा मैं अपने बच्चे को? स्वान, आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा आपकी नौकरी का, और मैं भी तो ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तू बावली हो गई है, सटिया गई है, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के बच्चे पालेगी? तुझे पता है छोटे बच्चे के कितने खराजात होते हैं, कितना मुश्किल होता है उसे पालना, और माँ को संभालेगी अपने बच्चे को? अम्मी को तो बहुत खुशी हुई इस बात की। अभी 3 माह गुजरे नहीं है और तूने इतनी बड़ी फटीक मेरे सर डाल दी। रिजवान, क्या हो गया आपको? ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहे और आप ना शुक्री कर रहे। बस कर, ज्यादा बातें मत कर, ये उल्टी सीधी फलसफाना बातें मुझे समझ नहीं आती। सीधी सीधी बात क्या कर मुझसे, डॉक्टर के पास जा और ये काम कल ही हो जाना चाहिए, समझी? मैं जानती हूं तुम खुश नहीं, लेकिन देखना ये बच्चा ना तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की नवीद बनकर आएगा। कैसी खुशी आप ही? रिजवान ने तो इस बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? रिजवान को ये बच्चा नहीं चाहिए। रिजवान ने शादी की पहली रात ही बोल दिया था कि उसे बच्चों का शौक नहीं है और ना ही वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है। हम है ना, बस बस तूने उजाला को फटावा दूध पिलाया, तूने तूने मारा मेरे बच्चे को। ओ बात सुन, हल्का हो जा, भूल गया कैसे तेरे रोने चल रहे थे? कहां से पालूंगा, कहां रखूंगा, क्या करूंगा, कैसे परवरिश करूंगा, और तू शामिल था साजिश में। किस दिल से तूने मेरे बच्चे को मारा? तू इंसान खिलाने के लायक नहीं है। कैसे तूने मेरे बच्चे को मारा? तुझे शर्म नहीं आई? किस दिल से?